ब्रेकफास्ट तैयार है। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लालवानी। सर 3 बजे के बाद आपको वलुसेट से मिला और 4 बजे इंडियन मर्चेंट्स की मीटिंग अटेंड करनी, यानी कि बड़े लोगों की मीटिंग है। उसके बाद लीगल एडवाइजर सक्सेना से मिलना है। सर उसके बाद? और उसके बाद मैं कोई काम नहीं करूंगा। हेलो, या जस्ट मोमेंट सर, विजय सर। क्यों साले, अगर मेरी बहन होती तो माशाल्लाह आपके साले भी बन जाते, लेकिन हजूर आला ये तो बताइए आप कल कहाँ थे? ना ऑफिस आए ना क्लब, कनाला गया था। और वहाँ जनाब शराब पीते रहे और सुषमा को याद करते रहे, है ना? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त, मोहब्बत में नाकाम तो बहुत से लोग हुए हैं, लेकिन तेरे जैसा कोई नहीं यार। कितनी बार समझाया तुझे कि सुषमा की शादी हो गई है, अब तो उसे भूल जा। देखो भाषण देना बंद करो और काम की बात सुनो। वो तुम स्टेट एजेंट की बात कर रहे थे ना, उसको मेरे पास भेज दो। क्यों, ताजमहल बनवाना है? नहीं भाई, एक होटल बनाना है बालीपुरम में, जहां सुषमा से तेरी पहली मुलाकात हुई थी। अब बकवास बंद करो नहीं तो डंडा लेके पहुंच रहा हूं। इस वक्त डंडे की जरूरत नहीं क्योंकि मैं अंडा खा रहा हूं। अच्छा पार्टनर, तेरा काम हो जाएगा, उस एजेंट को भेज दूंगा, उसका नाम है छगन पटेल। ओके बाय बाय। तो आप आ गए छोटे नवाब, तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़े भी शर्म हो, 2 दिन की छुट्टी लेकर गए थे और बरखुरदार 15 दिन के बाद सूरत दिखा रहे हैं। तुम्हारा ये बाजा बजाना तो तब बंद होगा जब मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दूंगा। अब ये कसम मत करना पड़े भाई। तो बोलो कहाँ गए थे? लोनावला, लोनावला से पूना, पूना से बैंगलोर, बैंगलोर से ऊटी और ऊटी से सीधा यहाँ घाटकोपर अपने बड़े भाई के पास। और लौटने का कारण? कड़की। तभी बड़े भाई की याद आई, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तो फिर मैं रहूंगा, माँ बाप नहीं और बड़ा भाई बदल जाए तो फिर मैं रहूं नहीं तो क्या करूं? मैं रहूं? तू नहीं सुधरेगा। भैया कौन है? मुझे फौरन जाना है, म्यूजिकल ग्रुप की मीटिंग है। सुनो हा? पैसे ले जाओ, वो पर्स दे जाओ। पॉलिश करवा कर भेजूंगा बड़े भाई, सी या।
करते हैं हम तुम्हें इतना। शादी और तुम जैसे एक मुफलिस के साथ, तुम्हारी तनख्वाह क्या? 100, 200? खबरदार इस घर की तरफ कभी रुख भी किया तो। नाउ गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। यस सर, मिस्टर छगन पटेल आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो। नमस्ते जी, साहब जी, महाराज, आपकी सेवा में छगन पटेल हाजिर है जी। आइए बैठिए। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ जी? मुझे बालीपुरम में एक प्लॉट चाहिए होटल बनाने के लिए, 10 दिन के अंदर। बस 10 दिनों में एक प्लॉट? अरे साहब जी, क्या बात करता है, 10 दिनों में एक प्लॉट नहीं, मैं तो आपकी सेवा में प्लॉटों की पलटन लगा दूंगा। पलटन नहीं, मुझे सिर्फ एक प्लॉट चाहिए। प्लॉट खूबसूरत होना चाहिए और कोई कानूनी रुकावट या अड़चन ना हो। फिकर नॉट साहब जी, उसकी आप चिंता मत करें। मैं तो होटल का प्लॉट आपको ऐसी जगह पर दिलाऊंगा, ऐसी जगह पर दिलाऊंगा कि लोग होटल में आएंगे तो बावा करेंगे, पर जब जाएंगे तो आहे भरेंगे, मेरा मतलब हाय हाय करेंगे। यस सर। लालवानी, मैंने होटल का कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर छगन पटेल को दे दिया है, तुम इनके साथ बालीपुरम चले जाओ और प्लॉट फाइनल कर लो। राइट साहब जी, एक छोटी अर्ज है, होटल के प्लॉट के साथ साथ अगर आप मुझे कंस्ट्रक्शन का काम भी दे दें तो मेरी जिंदगी की एक तमन्ना पूरी हो जाएगी। पहले प्लॉट फाइनल कीजिए, उसके बाद देखते हैं। लालवानी साहब, आपको हमारी सेक्रेटरी कैसी लगी? बड़ी छोरी छिटिया है। मेरे कहने का मतलब है आपकी सेक्रेटरी बहुत अच्छी है। भाई इसीलिए तो मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। भाई लालवानी साहब, हमें तो आपसे प्यार हो गया है, बस यूं समझ लो कि आज से हमारी हर चीज आपकी। भाई छगन, बड़ी आपने तो हमारा मन ही जीत लिया। you
चूल्हे लाल मजा आवी। लालवाली साहब हमें एक बात बताओ, आपको एक महीने में कितना पगार मिल जाता है? बहुत अच्छा पगार मिलता है, 1500। लालवाड़ी साहब आजकल के जमाने में 1500 पहले हफ्ते में कचरा हो जाता है। ऐसा बोलो क्यों? एक बात है, अगर मुझे प्राइवेट प्लॉट की बजाय गवर्नमेंट प्लॉट मिल जाए तो जानते हो मैं तुम्हें चाय पानी के लिए कितना दे सकता हूं? 50,000। 50,000 भाई छगन, लेकिन ये बड़ी भेड़िया गवर्नमेंट का प्लाट मिलेगा कैसे? अरे लालवाणी साहब, जब पैसा बोलता है तो सब कुछ मिलता है। Okay. लेकिन मैंने सुना है कि वहां की म्युनिसिपैलिटी का मिस्टर कृष्ण बहुत ही सख्त आदमी है। लालवाणी, ऊपर वाले ने किसी को दो पीठ नहीं दी है, सिर्फ एक पीठ दी है, वो भी पीछे, और जो आगे है उसका नाम है पेट, और इस आगे वाले के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, क्यों शब्बू? हाँ। और अब देखना है कि कितना सख्त है तुम्हारे कृष्णन साहब का पेट। नमस्कार, नमस्कार, माफ करना कृष्ण बाबू, हम जरा बकल से पहले आ गए। कोई बात नहीं छगन पटेल जी, बैठिए, रामू दो चाय लाना। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, पहले आप बताइए कि आप खाते हैं या पीते हैं? मिस्टर छगन पटेल, क्या आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? छी छी छी, अरे साहब, मैं तो ये पूछ रहा था कि आप तंबाकू खाते हैं या पीते हैं? मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ। हम तो खाते हैं। हाँ मिस्टर कृष्णन, हम आपसे लैंड अलॉटमेंट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। ये डिपार्टमेंट गुप्ता जी का है। कृष्णन साहब से मिले आप? अरे गुप्ता जी, बुरा मत मानिए, आपका कृष्णन साहब बहुत सख्त आदमी है। अब आप ही बताइए, इसमें नाराज होने की क्या बात है? हमने तो उनसे सिर्फ यही पूछा था ना कि आप खाते हैं या पीते हैं। हाँ वो तो ठीक है, बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अरे गुप्ता जी, वो तो छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आप खाते हैं या पीते हैं? छगन सेठ, हम खाते भी हैं और पीते भी हैं। भाई गुप्ता जी, हम चंद चकरी तो किसी का करता नहीं है, पर एक बात कहेगा कि तुम आदमी लाखों में से एक हो। तुम भी तो आदमी को यूं परख लेते हो छगन सेठ। अरे लालवाणी, तुम इधर खड़ा क्या करता है? उधर देख शब्बो, मेरी सकतरी पानी में जल परी लग रही है। झूले लाल, झूले लाल, झूले ला। गुप्ता जी, हमारी सकतरी पसंद आई आपको? कमाल है। कमाल है ना। अरे शब्बू, अरे मेरी जलपरी, जरा इधर आओ, देखो हमारे खास मेहमान आए हैं। शब्बू, इनसे मिलो, ये है गुप्ता जी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। चूल्हे ला, नहा लिया आपने? हाँ। पीना तो शुरू हो गया छगन सेठ, अब खाने की बात। असल में गवर्नमेंट के पास आपके मतलब का कोई प्लॉट नहीं है। फादर बेनोवेलेंट के पास एक जगह है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वो बुढ़ा मानेगा। क्यों? क्योंकि वो एक पुराना कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान? अरे लालवाणी, कब्रिस्तान है तो क्या हुआ? मेरे भाई, ऊपर वाला कईयों को छप्पड़ फाड़ के देता है ना, हो सकता है हमको जमीन फाड़ के दे दे।
वाह वाह लालवाड़ी भाई, मैं तो कहता हूं मजा आ गई। 16 17। अरे भाई लालवाड़ी, पढ़ने की जरूरत नहीं है। छगन पटेल कड़िया इन कपड़ों का सीमेंट देख कड़ी तेरे को बता सकता है कि कोई भी कब्र 100 साल 200 साल से कम पुरानी की नहीं है। अरे भाई मैं तो कहता हूँ होटल के लिए ये जमीन एकदम चकाचक है। गुड मॉर्निंग फादर। वेरी गुड मॉर्निंग माय सन, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, मेरे पुराने दोस्तों की कब्रें देख रहे हो? जी हाँ फादर, बहुत ही पुरानी है। यू आर राइट, इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, इन पे कोई फूल नहीं चढ़ाता, कोई कैंडल नहीं चलाता, इनका कोई नहीं है। लेकिन फादर, जिनका कोई नहीं है ऐसे मरहूम इंसानों की बजाय, जिनका कोई नहीं है ऐसे जिंदा इंसानों के लिए आप ये जमीन क्यों नहीं दे देते? नहीं नहीं, जिंदा है उनके लिए तो जमीन बहुत है, ये नहीं तो और, इन बिचारों के लिए तो सिर्फ 6 फुट जमीन चाहिए और तुम वो भी छीनना चाहते हो। आप गुस्सा मत कीजिए फादर, मरने वाले तो हमेशा के लिए चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन जीने वाले बेचारे बेबस हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? फादर, हम कुछ लोग मिलकर एक अनाथ आश्रम बनाना चाहते हैं। छोटे छोटे फूल से कोमल अनाथ बच्चों के पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं। फादर, आप उनकी आंखों में झांक कर देखेंगे तो आपको जीसस नजर आएगा। मैं कोई बहुत मालदार बिल्डर नहीं हूं, लेकिन इस नेक काम के लिए मैं मुफ्त में काम कर रहा हूं, क्यों लालवानी? यस यस फादर। और मेरे स्वर्गवासी दोस्त, करोड़पति दोस्त की पत्नी इन्हीं अनाथ बच्चों के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है फादर, लेकिन हम क्या करें, हमको इस शुभ काम के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं मिल रहा फादर। इसी काम के लिए हमने सरकारी दफ्तर में धक्के खाए, ठोकरे खाए, लेकिन कुछ नहीं बना फादर। आप गुप्ता जी से पूछ लीजिए। ये ठीक कह रहे हैं फादर। फादर, जीसस का नाम लेकर हम लोग आपके पास आए हैं और हमें पूरा यकीन है कि आप अनाथ बच्चों पर रहम करेंगे। फादर, आपकी मदद चाहिए। जब तक हमको जमीन का टुकड़ा नहीं मिलेगा, ये नेक काम कभी पूरा नहीं हो सकेगा। बेटे, तुम भी फादर को समझाना, हैं? शाबाश। लालवाणी, चूटी का मुंह तो मैंने बंद कर दिया है, और बुड्ढा तो मेरे चक्कर में आ ही गया है। अब बंबई जाकर साहब जी से माल ले आते हैं। अरे आओ भाई छगन, आओ बैठो, सेठ जी अभी आते हैं। प्यारे सूरज को प्यार के साथ सुषमा। अरे भाई छगन रखो, फेंकिए, चलिए जाओ। अरे भाई लालवानी, ये साहब जी की मंगेतर है? नहीं तो फिर साहब जी की पत्नी होगी। पटने वाली थी, पटी नहीं। मतलब ये कि सपना टूट गया। गुड मॉर्निंग। नमस्ते साहब जी, बैठिए बैठिए। कहिए, सफर कैसा रहा? अब बिल्कुल सफल रहा साहब जी, और आपकी मेहरबानी से एक बहुत अच्छा प्लॉट भी मिल गया साहब जी, एकदम चकाचक। आई रिकमेंड इट हाईली सर। पर साहब जी, वो प्लॉट एक विधवा औरत का है, किसी भी तरीके से मान नहीं रही थी, लेकिन 20 लाख रुपए का नाम सुनते ही चकाचौंध हो गई। पैसा बोलता है साहब जी। ललवानी, पटेल साहब के सारे पैसे आज ही मिल जाने चाहिए। ये है होटल का प्लान साहब जी, ये देखिए। ललवानी पकड़ो। हाँ साहब जी, ये है मेन बिल्डिंग, और इधर बनेंगे बेडरूम, और ये है रेस्टोरेंट और बार, और ये है कैबरे रूम, और यहाँ पर क्लासरूम होंगे, और फादर यहाँ पर मासूम अनाथ और गरीब बच्चों के रहने की जगह। क्यों लालवानी? झूले लाल, झूले लाल। और फादर यहाँ पर अस्पताल होगा, जहाँ पर इन मासूम गरीब और अनाथ बच्चों के साथ साथ गांव के गरीबों का भी मुफ्त में इलाज होगा। नमस्ते फादर। भाभी जी, फादर सरिता देवी,
मेरे स्वर्गवासी दोस्त की विधवा, और फादर ये वही देवी हैं जो इस अनाथ आश्रम के लिए अपना सारा पैसा लगा रही हैं। गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। और इन अनाथ बच्चों का भला करना तो अब सिर्फ आपके हाथों में है फादर। फादर, मेरी कोई औलाद नहीं, मैं इन मासूम और अनाथ बच्चों की मां बनकर उन्हें मां का प्यार दूंगी। रो मत बेटी, आप लोग ट्रांसफर पेपर्स बनवा लीजिए, मैं साइन कर दूंगा। मिस्टर शगन पटेल, ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं डबल एग्रीमेंट बनाऊंगा? अनाथ आश्रम से होटल, माय गॉड दिस इज टू मच। आप उस भोलेबाजी को धोखा देना चाहते? अरे वकील साहब, आप तो बेकार में नाराज हो रहे हैं। उस बुड्ढे पादरी ने तो हां कर दी है, अब उस जमीन पर होटल बने या अनाथ आश्रम, भला आपका क्या बिगड़ता है? ये 420 है और वो मेरे हाथों नहीं होगी। वकील साहब, आप हमारे कानूनी सलाहकार हैं, आपके साइन किए हुए कागजात बिना किसी एतराज के फाइलों में शामिल हो जाएंगे। नहीं नहीं, यह काम मुझसे नहीं होगा, आप लोग दफा हो जाइए। मैंने बहुत रुपए देखा, तुम समझते हो तुम रुपए से मुझे खरीद सकते हो? मेरी आवाज क्यों बंद हो गई? वकील साहब, आपकी जो आवाज बंद हो गई, पैसे से तो बड़ों बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। क्या बात है टाइगर, क्या हो गया है तुम्हें? है चूड़ी अरे ये तो हमारे दोस्त हैं। चूड़ी जी, टाइगर को अंदर ले जाओ। यस फादर। टाइगर क्या हो गया तुम्हें? चूड़ी को खा लिया? चूड़ी बेटा ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं फादर, मामूली सी है। आइए टाइगर, टाइगर स्टॉप इट, स्टॉप इट। आइए टाइगर, क्या हो गया तुझे आज? स्टॉप इट टाइगर, स्टॉप इट, स्टॉप इट। आइए अंदर आइए, न जाने टाइगर को क्या हो गया, आप लोगों को बहुत तकलीफ दी। नहीं नहीं फादर, प्लीज बी सीटेड। कैसे हो बेटे? ठीक हूं फादर। चूड़ी, सबके लिए चाय ले आओ। यस फादर। वेल मिस्टर कपूर, डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं? जी फादर। माय गॉड, ये क्या हुआ? मेन फ्यूज क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं कैंडल्स जला देता हूं। आपने यही लिखा है ना कि मैं ये जमीन सिर्फ अनाथ आश्रम के लिए दे रहा हूं? साफ साफ लिखा फादर, साफ साफ लिखा। ये देखिए क्लॉज नंबर 3,
मिस्टर छगनलाल जी, कपूर साहब हमारे मालीपुरम के बहुत काबिल और नेक वकील हैं। संभालना, टूट जाएगा। क्या हुआ फादर? चश्मा टूट गया। तुम्हें आज क्या हो गया है जोड़ी बेटा? मिस्टर कपूर, अब आप ही बताइए मैं कहां साइन करूं? इस नेक काम में आप साक्षी हैं। ये लीजिए, यहां। और इस जगह। संभाल कर। अरे सबकी सब कवरें खोल दो, कोई क्रॉस टूटने ना पाए। हाँ इधर से। हाँ ये देखो, तुम क्या मुंह देख रहे हो? जाओ भाई, बाहर जाओ, भागो यार। अरे क्या है? खोपड़ी, इसे यहीं छुपा दो, मैं अभी आता हूँ। जुबान बंद। साहब, आप तो कह रहे थे कि ये कवरें पुरानी हैं, मगर यहाँ तो खोपड़ियां और लाशें निकल रही हैं। खोपड़ियां और लाशें। तुम एक काम करो, हाँ, फौरन काम बंद करवा दो, हाँ, और जो पीछे लोग खड़े हैं उनको हकाल दो, हाँ, और सुनो, हाँ, रात के अंधेरे में एक खड्डा खोद कर सबकी सब लाशें, हाँ, चुपके से भरवा देना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। थैंक यू। और जितने भी पत्थर हैं कब्रों के, एक गोदाम में रखवा देना, बहुत महंगे बिकते हैं। जाओ, चले जाओ। मे गॉड ब्लेस यू। जाओ। अरे आप लोग यहाँ क्या खड़े हैं? ये आपके बाप के मदारी का तमाशा है या कोई मेला? जाओ चलो। अरे मैं जो कहता हूँ चलो, मुंह क्या देखते हो? अरे जाओ। अरे भागो, मैं जो कहता हूँ। अरे क्या बात है, कहता। ए चाचा, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? चर्च में जाकर बैठो, गॉड विल हेल्प यू, भगवान तेरा भला करेगा। तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा नहीं कर रहे हो। गुड मॉर्निंग ओल्ड जॉर्ज। क्या गुड मॉर्निंग जॉर्ज, आपने अपनी रूह शैतान को बेच दी? मैं कुछ समझा नहीं। अरे हमारे मरहूम बुजुर्गों के सीने पर शराब पी जाएगी, रंडिया नाचेगी, होटल बनेगा। होटल नहीं जॉर्ज, यहाँ अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बनेगा। अरे उधर देखो, क्या वो अनाथ आश्रम का बोर्ड है? है? होटल हिलटॉप। मिस्टर पटेल, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो ये जमीन अनाथाश्रम के लिए दी थी। अनाथाश्रम? फादर जी, मैंने ये जमीन तो होटल बनाने के लिए ली थी। होटल? हाँ। लेकिन मेरे पास एग्रीमेंट है, उसमें साफ साफ लिखा है कि ये जमीन मैं अनाथाश्रम बनाने के लिए दे रहा हूँ। बात करता है, अनाथाश्रम बनाने के लिए दे रहा हूँ। फादर जी, मेरे पास भी एग्रीमेंट है, आपने इधर साइन किया था, ये देखो। और ये आपके जो वकील साहब है ना, उनके भी दस्तखत है इधर, बिजनेस। और ये गुप्ता जी के भी है, बिजनेस। मैंने कहा ना कि मैं झूठ नहीं बोलता। वो बेवा औरत कहाँ है? आपका इशारा मेरी तरफ है फादर। मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई, मैं कुंवारी हूँ। जोड़ी, फादर, तुमने रुपए के बदले में अपना ईमान धर्म बेचा। ओ माय लॉर्ड, फॉरगिव मी। हेल्प फादर। ओ माय गॉड, ही डेड। फादर मर गया।
ले आओ, जल्दी ले आओ, खबरदार देखना नहीं। सबसे अच्छा पत्थर यानी कि क्रॉस हम खुद चुनेगा, क्यों शब? हाँ। थैंक यू वेरी मच सर। जूडी अच्छी तरह से दरवाजा बंद कर दो। जी।
अरे यार, तुम तो बहुत अच्छा नाचते हो हैं। बस ये काम है जो जनाब अच्छी तरह से कर सकते हैं। लगता है आप मेरे तारीफ करने के मूड में। मैं चलता हूँ। संजय, तुम तो आज ऑफिस आके काम शुरू करने वाले थे, क्या हुआ? यू सीरियस? यस। मैं तो मजाक समझ रहा था, कल 11 बजे आ जाता हूँ। ओके, बाय, सी यू। तुझे लगता है आएगा? जरूर आएगा। लग गई 5,000 की शर्त। 5,000 रुपए कल साथ लेके आना, तू भी लाना। ठीक है। तीन मिनट के बाद 11 बजने वाले हैं और तेरे 12, 5,000 निकाल कर रख। तू अपने 5,000 तैयार रख, क्योंकि वो जरूर आएगा। वो नहीं आएगा, मेरा भाई, मैं जानता हूं उसे। मैं आ सकता हूं? वेलकम वेलकम संजय, वेलकम पार्टनर। 5,000 रुपए ढीले करो। हाँ, गिन रहा हूं। यानी भैया ने शर्त लगाई थी कि मैं नहीं आऊंगा? माय गॉड, व्हाट अ ट्रिक। भैया, मुझे यहां वक्त पे आने के लिए इन्होंने 2,500 रुपए दिए। क्या 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 क्या, क्या? साला, मेरे से 400 भी से क्या तूने? अरे घबरा मत, ये 5,000 रुपए संजय के हैं। अगर ये बालीपुरम जाके होटल की डेकोरेशन करेगा तो। डेकोरेशन तो ऐसे करूंगा भैया के, देखते रह जाओगे। वादा रहा? वादा हजूर, ये भी वादा कीजिए कि वहां से भागेंगे नहीं, तेरा जन्मदिन वहीं मनाएंगे। अच्छा भैया, नहीं भागूंगा, नहीं भागूंगा। वादा वादा। लीजिए ना। लीजिए ना, ये तो सॉफ्ट ड्रिंक है। मैं नहीं पीती। अजी, अमेरिका में तो बच्चियां भी पीती हैं। लीजिए भी। बच्चे भी पीते हैं। आइए आइए संजय बाबू। क्यों मिस्टर लालवानी जी, ऐश हो रहा है? अरे बल्ला लवानी, ये कौन साहब है? ये हमारे विजय साहब के छोटे भाई मिस्टर संजय, और ये हमारे छगन पटेल, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर। ओ संजय बाबू, नमस्ते नमस्ते। भाई विजय बाबू का फोन आया था, आप तो कल आने वाले थे, आज कैसे आ गए? आपको एतराज हो तो वापस चले जाता हूँ, कल फिर आ जाऊंगा। वाह 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 वाह, मजा आ गई। शब्बो मेरी सेक्रेटरी। हाय। अरे हाथ मिलाओ। हेलो संजय बाबू, आप थक गए होंगे, आप आराम कर लीजिए। शब्बो, इन्हें इनका कमरा दिखा दो, थोड़ा आराम करेंगे। आइए चलिए। गुड, कमरा अच्छा है? हाँ बहुत अच्छा है, ये स्पेशल रूम है हनीमून कपल्स के लिए। देखिए ये बेड कितना नरम है। आइए ना। मैं पहले नहाना चाहता हूँ। आप गर्म पानी से नहाएंगे तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। मैं आपके लिए नहाने का गर्म गर्म पानी निकाल देती हूँ। ओके। आइए, अब आप जाइए, मैं नहा लूंगा। मैं टॉवल रखना भूल गई थी। आपको साबुन चाहिए? ये लीजिए। लाइए, मैं मल देती हूँ। जी तो क्या हुआ, आप पर आए थोड़ी है? मुझे गदगदी आ रही है। ये साबुन भी मर्दों की तरह होता है, हमेशा अपने जल जाता है। ऐश कर रहा है पट्टा ऐश। जनाब ये खत होटल के बाथरूम से लिख रहे हैं। किस्मत वाला है। और क्या लिखता है? लिखता है कि मैं यहाँ के सबसे खूबसूरत रूम यानी कि हनीमून सीट में रह रहा हूँ। कहीं किसी लड़की को अपने साथ लेकर तो नहीं बैठा है? हो सकता है। ये तो अच्छा किया तूने यार कि उसको होटल में बंद कर दिया। बस अब तो ये चाहता हूं उसका काम में मन लग जाए।
और ये सब उछल कुछ बंद कर दे। एक बात पूछ सकता हूं? पूछो। ये बर्फ गल जाएगी तो क्या होगा? अरे क्या बात करता वकील साहब, ये कोई तरीका बात करने का? लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती, क्या अनाथ आश्रम वाले कागज अपने पास क्यों रखना चाहते? सब जानते हैं कि एग्रीमेंट मैंने बनाया, गवाही पर मेरे दस्तखत। अगर ये कागज किसी का हाथ लग गए तो मेरी वकालत तो बंद होगी, मैं अंदर भी हो सकता हूँ। अरे मैं भी अंदर हो सकता हूँ, लालवाणी अंदर हो सकता है, ये सब अंदर हो सकते हैं। बात करता है, कागज मैंने अपने पास इसलिए रखे हैं ताकि तुम्हारा बोलना बंद हो। मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा कि हमने एक भोले भाजी के साथ 420 की एक कब्रिस्तान की जमीन मुफ्त में हत्या कर उसे 20 लाख रुपए बेच दिया होटल बनाने के लिए। अरे चिल्लाता क्यों वकील साहब, मैं उच्चा नहीं सुनता। मैंने कहा ना जरा धीरे बोलो, दीवारों का भी कान होते हैं। कागजात मेरे पास हैं, अच्छी तरह संभाल के रखे हैं। क्या क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा होशियारी नहीं छोकरे, जान प्यारी है तो जल्दी से कागज निकाल। अबे हट साले, हट साले। हराम ज्यादा बच के नहीं जाना चाहिए, चारों तरफ से घेर लो। तुम उधर जाओ, तुम इधर और तुम अंदर जाओ।
संजय मिल गया, किस्मत खुल गई। कड़िए ना हाथ छे छोकरे, एक और जमेगा तो नानी याद आ जाएगी। नानी और नाना तो तुम्हें याद आएंगे कमीने, जब ये कागजात मेरे भाइयों के पास पहुंच जाएंगे और उन्हें मालूम होगा कि तुम लोगों ने कितनी बेईमानी की है। बेईमानी नहीं, होशियारी बोल छोकरे, होशियारी। अगर मैंने अपनी होशियारी से थोड़े पैसे बना लिए तो तेरे को क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो उस पादरी को हुई है जिसकी जान गई। अच्छा बेवकूफ बनाया उसे, अनाथ आश्रम की जगह होटल खड़ा कर दिया। संजय साहब आप मेरी बात तो सुनिए, तुम चुप रहो कमीने। ये तो मर गया, अब क्या होगा? हम सब पकड़े जाएंगे। बकवास बंद करो। कागज इसकी जेब में नहीं है, इसका मतलब है गाड़ी में होंगे। अतुल, इसकी लाश को यहीं दफना दो। बागजात तो नहीं है? मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा था जो तुम्हारे साथ आया। छगन भाई, हम तो खूनी हो गए। लालवाणी, गाड़ी को ठिकाने लगा दो। सूरज, अबे साला यहाँ बैठा है। क्या बात है पार्टनर, आज सुबह सुबह आ गए? हाँ यार, बालीपुरम जा रहा हूँ। बालीपुरम? तू तो 18 तारीख से पहले निकल नहीं सकता क्योंकि तेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, इसलिए सोचा कि मैं। अबे साफ साफ क्यों नहीं कहता भाई से मिलने जाना है? हाँ यार, पहली बार काम पर गया है, देखो तुझे कैसा कर रहा है, और फिर डरे कहीं काम पूरा हो गया तो पट्टा कहीं भाग ना जाए, आधे से मजबूर जो है। अच्छा विजय, एक काम और करना, बालीपुरम के खास लोगों को इन्विटेशन दे देना ताकि ओपनिंग नाइट जरा शानदार हो जाए। दो घंटे तो हो गए, और कितना टाइम लगेगा? बहुत मुश्किल है साहब, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो आज ही बालीपुर में पहुंचना है, जाऊंगा कैसे? इसी रास्ते पर आगे आपको बस मिलेगी, आप चले जाइए, मैं गाड़ी ठीक ठाक करके ले आएगा। ठीक है, सामान निकालो। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द बस स्टॉप? मेरा मतलब है कि बस स्टॉप कहाँ है जी? वो देखो वहाँ, खड़े खड़े थक गया था इसलिए लेट गया, लेकिन बस स्टॉप यहीं है। अच्छा सुनिए, यहाँ जो बस आती जाती कहाँ है? ओहो, पहले ये तो बता तुम्हें किधर जाना है? बालीपुरी। बालीपुरी बालीपुरी
स्थान? बालीपुरम। बालीपुरम, जहाँ जाना वहाँ का नाम भी ठीक से नहीं जानते, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। मुंबई से। ठीक है ठीक है। जीना है कौड़ी पर हंसना। चुपचाप खड़े रहो, गाना वाना मत गाना, ये बस स्टॉप है। हाँ। ओ, लो बस आ गई। पहले मेरी बारी है। हाँ हाँ, तो आप जाइए। इस तरफ क्या देख रहे हो? तुम्हें नहीं, पहाड़ उस तरफ से नहीं दिखता क्या? क्या हुआ? लगता है बस खराब है। सब लोग नीचे आ जाओ। पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी इसमें। मायने भी। अरे हम क्या कर सकते हैं? हमारे बस की बात है कि गाड़ी खराब हो गई थी। अरे तुम लोग मेरे गले में क्यों पड़ रहे? बालीपुरम हो गए मैं कल। अरे जाओ। अरे हाँ, गाड़ी क्यों बंद कर दी? लड़कियों के आदमी का गला पकड़ी शर्म नहीं आती क्या? क्या हुआ, क्या है, दिखता नहीं है क्या? अरे बस खराब होगी तो ड्राइवर का क्या कसूर है? तुम चुप रहो जी, जानते कुछ नहीं, बीच में टांग अड़ाते हो। ये साला रोज यहाँ बस खड़ा कर देता है, जानते हो क्यों? क्यों? इसकी बीवी यहाँ पीछे रहती है। बिठो 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 बिठो। क्या हुआ साहब? लड़की झूठ बोल रही है, हमारी गाड़ी सचमुच खराब हो गई। सच तो बोलता है ये। सुन ले, ये तो बस स्टॉप नहीं है, गाना गा सकता हूँ। जीना है तो जी भर हंस लो, जीना है तो जी भर हंस लो। जिंदगी दो दिन की, जिंदगी दो दिन की, कल न जाने क्या हो। जीना है तो जी भर हंस लो, जीना है तो जी भर हंस लो। अपना है इसको न खोना तुम।
जीना है तो जी भर हंस लो, जीना है तो जी भर हंस लो, जिंदगी दो दिन की, जिंदगी दो दिन की, कल न जाने क्या हो, जीना है तो जी भर हंस लो, जीना है तो जी भर हंस लो, जीना है तो जी भर हंस लो। कुछ पता चला ये बस कब आगे निकलेगी? टाइम लगेगा। बाप रे, मेरा तो बर्फ डल जाएगा, मैं होटल वाले को क्या जवाब दूंगी? मैं पैदल जाऊंगी। मैं आपके साथ चल सकता हूँ? मुझसे क्या पूछ रहे हो, रास्ता मेरे बाप का है क्या? अरे खाओ खाओ। लाई लाई, मैं उठा लेता हूँ, मैं उठा लेता हूँ। ये भी लो और ये भी लो, ये मैं, मेरे पीछे पीछे आओ। जल्दी करो, रुको मैं आ रहा हूँ। मेला रे मेला। ओह जल्दी चलो, हमारे गांव में 10 साल के लड़के इतना सामान उठा के यूँ भागते हैं। हाँ, मैं 10 साल का नहीं हूँ ना। चुप, तुम्हारा नाम क्या है? विजय, लेकिन लोग प्यार से मुझे बिज्जू बोलते हैं। बिज्जू? तुम यहाँ बालीपुरम क्यों आए हो? सुना है एक होटल खुला है। होटल खुला तो क्या हुआ, जिसे देखो नौकरी के लिए चलाता है। तुम्हारी शादी हुई है? नहीं, कोई लड़की नहीं मिलती। कैसे मिलेगी, जब तक नौकरी नहीं करोगे लड़की नहीं मिलेगी, उससे शादी करके क्या खिलाओगे? तुम्हारा ये तंबूरा, तंबूरा गिटार वो रहा होटल, बनाने वाला भी कोई गधा होगा। होटल बनाया भी तो इतनी दूर पहाड़ी पे, यहाँ आते आते तो मेरा बर्फ पिघल जाता है। ओहो, बहुत बात करते हो विजू, जल्दी चलो। हाँ, बातें तो मैं ही कर रहा हूँ। मैं सोचती हूँ मुझे भी इस होटल में नौकरी मिल जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। मैं खाना बहुत अच्छा पकाती हूँ। अच्छा? खाने वाले उंगलियाँ चाटते हैं। तुम्हारी? मेरी नहीं, खुद की। विजू तुम बहुत बेवकूफ हो। पहले गधा फिर बेवकूफ, क्या क्या बोलती जाती है। बहुत ठंडी है। कौन? बर्फ। बर्फ ठंडी नहीं तो क्या गर्म होगी? बोलो आ गया। दिखता है दिखता है। ओ बर्फ वाली, आज बहुत देर कर दी। इसे कहाँ रखूँ? इसके सर पे। ले ले भाई ले। अरे बर्फ तो आधी होगी। लो सुनो, यहाँ तक आते आते बर्फ पिघलेगी नहीं तो क्या होगा है? आधी बर्फ इस बाबूजी के पैंट में है, निचोड़ लो। आओ बाबूजी। हाँ चलो। विजय साहब। अरे मरवा दिया। विजय बाबू, आप कब आए? अरे बर्फ आया साहब, इधर आओ। लाइए साहब, लाइए, मुझे सामान लाइए, ये लो। लेकिन विजय साहब, आपके कपड़ों को क्या हुआ, आपकी गाड़ी को क्या हुआ? वाले आप मालिक हैं और मैंने आपसे सामान उठवाया, यानी नौकरी मिलने से पहले ही छुट्टी? नौकरी की तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हें खाना बनाने आता है तो समझ लो नौकरी पक्की। मैं कब आऊं? कल से। मेहरबानी, धन्यवाद। मालिक चलिए, चलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग लालवानी, होटल अच्छा बना है। थैंक यू सर। संजय कहाँ है? सर वो साहब जी, संजय बाबू तो 2 दिन पहले ही चले गए। क्या चले गए जी? तुमने उसे ओपनिंग के लिए रोका क्यों नहीं? सर मैंने तो बहुत कहा लेकिन वो माने नहीं। आदत से मजबूर पट्टा भाग गया। आई चल। शब्बो मेरी जान, तुम्हारे जिस्म से कम खुशबू आती है क्या, जो तू और खुशबूदार होती जा रही है? छग्गो। शब्बो, तुझे मैं अपने पास लूं? हाँ। तुझे मैं अपने सीने से लगा लूं? हाँ। हाय मारी नख है मारी जान। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है साला? हराम जादे आपको
कुत्ते के बच्चे, फिर आया तो गोली मार दूंगा। क्या हुआ क्यों चिल्ला रहे हो? साहब कुत्ता, फिर वही कुत्ता, उसने मेरे पे हमला किया। कौन सा कुत्ता? फादर पे साहब एक पागल कुत्ता है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। क्या बात? शब्दों से पूछ लीजिए आप। हाँ विजय साहब। हाय पार्टनर। हाय सूरज। वेलकम सर। क्यों पार्टनर? हाय, हाउ आर द जर्नी? फर्स्ट क्लास। यार तेरा छगन पटेल तो बड़ा कमाल का आदमी निकला। हाँ भाई, बड़ा बढ़िया होटल बनाया है। संजय कहाँ है? गेस कर। आ गया। <As usual, laughs> तूने उसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाने के लिए पैसे जो दे दिए। अच्छा सुन, वो पास लाया क्या? वो मिडी ना? हाँ हाँ हा, लाया। समझे तो भूल जाएगा यार। अरे भूलता कैसे, वो है था। रात को पार्टी में आ रही है, देख लेना। तुम लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं? मैं अभी साथ में बोल के तुम सबकी छुट्टी करवाती हूँ। तुम्हारे बाप का राज है। अरे ठंडा बर्फ बेचती हो और गर्म दिमाग रखती हो। साहब ने जरा सा फ्राई पैन क्या पकड़ा दिया, हम पे रुबाब जमाती है। क्या बात है, क्या हो रहा है? बाबूजी, आपने मुझे यहाँ खाना बनाने की नौकरी दी है या नहीं दी? तो फिर ये घन चक्कर मेरे को खाना क्यों नहीं बनाने देते? नहीं देंगे क्या? मेरा मतलब है, क्यों नहीं देते? हाँ जाओ अंदर, चलो। सर ये सुना नहीं, जाओ। सुनो क्या है? बात ये है कि तुम किचन की कैप्टन हो। कैप्टन? क्या? नहीं, हेड कुक। किचन की मालकिन हो। मालकिन? तुम्हारा काम है सब पे नजर रखना, खाना बनाना नहीं, समझी? समझी। और देखो रात के पार्टी में ये अंग्रेजी कपड़े पहनकर आना। क्यों, मैं इसमें क्या बुरी लगती हूं? बहुत अच्छी लगती हूँ, लेकिन इन कपड़ों में और भी अच्छी लगोगी। सुनो नमस्कार। नमस्कार सूरज साहब। नमस्ते विजय। नमस्ते। आप लोगों को मुबारक। थैंक यू। बहुत लेट हो गए आप लोग, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए। वेलकम सर। रजिंदर नाथ पोपट लाल। रजिंदर नाथ जी, मैं हूँ आपका फैन, मैंने आपकी हर एक फिल्म देखी। जब प्यार किसी से होता है 25 दफा देखी। सिर्फ? फिर देखूंगा 10 बेटर। आइए वेलकम सर। अरे रे 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 शेख गिरधारी लाल जी, आप कब आए बालीपुरम? अरे भाई आज ही आया हूँ, अभी सुना है नया होटल खुला है, सोचा आज यहीं चढ़ जाऊँ। आइए आइए, इनसे मिलिए। ये हैं विजय साहब और आप सूरज साहब। सूरज साहब ये शेख गिरधारी लाल, बड़ी खुशी हुई। ये इस होटल के मालिक हैं।
अभी तक मुझे भूले नहीं सूरज। सुषमा, तुम यहां? गिरधारी लाल मेरे पति हैं। हो, इतनी रात गए तुम्हारा यहां आना ठीक नहीं है। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? सूरज, कर्ज में डूबे हुए पिताजी की इज्जत बचाने के लिए मुझे मजबूरन गिरधारी लाल से शादी करनी पड़ी। मेरे पिताजी की इज्जत तो बच गई मगर वो न बच सके। 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। हो, I'm sorry। तुमने शराब कब से पीनी शुरू कर दी? मेरी एक बात मानोगे सूरज, शादी कर लो, सब कुछ भूल जाओगे। तुम भूल सकी हो। सूरज, क्या हुआ? सुषमा, तुम? सुषमा यहां? ये सुषमा के पति है गिरधारी लाल। नवाब अरशद अली के नाम से एक कमरा बुक किए थे, वो है क्या? यस मैडम, 106। लवली, आपकी आवाज कितनी म्यूजिकल है। आपकी आंखें हैं ये अफसाने, गाल हैं ये गजल, नाक है ये नजम, फोटे फोटे जितने फेस, आह 35 mm में ये नाक क्या लगती है, 35 mm में ये आंखें क्या लगती हैं? From your clothes I pull back and I go down. What a lovely figure, like thumbs up. Right, phukli ke. ये जो 35 के एंगल से मेरी बेगम की आंखियां देख रहा था, नाक देख रहा था, दांतां देख रहा था, यही सब चीजें तेरी अगर मैं 70 mm में देखूंगा तो तेरी क्या हालत हुई? बहुत तकलीफ होंगी रे तेरे को, समझा क्या? मुंह से नहीं समझाता, हाथ से समझाता हूं। समझ गया। क्या? आई एम लोनली, आई एम ब्लू, आई वॉन्ट टू गो टू द लू। रे चश्मिश। यस सर। ये सांप को मूत्री दिखाओ। आइए सर। बेगम जी, ये लोग हमको कौन सा कमरा दी? वो 106। 106 क्या? अच्छा कमरा रहेगा शायद। चलो। Thank you.
दे शबो मेरे को, आज इस पादरी के कुत्ते को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किधर गया ये हरामजादा? इस कुत्ते को क्यों मारा साहब? ये पागल कुत्ता था, देखिए मेरी क्या हालत कर दी। कल भी मुझ पर छलांग लगाई थी। वो तो ठीक है, लेकिन ये कुत्ता पागल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके गले में पट्टा है। और फिर ये कुत्ता हमेशा तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा रहता था साहब? मुझे क्या मालूम, जानवर है और वो भी पागल, किसी के पीछे भी पड़ सकता है। लेकिन ये कुत्ता है किसका? सर, इस कुत्ते को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जब से ये होटल बना है, इसी होटल के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये फादर बेनोवलेंट का कुत्ता है। फादर बेनोवलेंट? कौन फादर बेनोवलेंट? ओ, बालीपुरम के पादरी थे, अब मर चुके। अब्दुल, इस कुत्ते को दफना दो। बोले नहीं, होटल जाएंगे, प्यार करेंगे, प्यार के बातें करेंगे। लेकिन ये क्या ऐसे जंगल में लाके फंसा दिए हो? खाली हथेली पे चांदी दिखाते रहते हैं। मैं अल्लाह अल्लाह कर रहा था ना बेगम। अब चांद क्या, मैं तुम्हारे को तारे भी दिखाऊंगा ना। वो देखो, वो नीचे की जमीन देख रही और वो ऊपर आसमान देखो। बेगम, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम दोनों बीच में लटक रही? Whoa, one and two, I love you. Three and four, I love you more. Five, six, seven, I will show you heaven, heaven, heaven. बेगम, एक तो होता सुरीला, दूसरा होता बेसुरीला, ये पीली टोपी तो कड़वा करेला। अरे भाई जल्दी करो, पाँव में मेहंदी लगी है क्या तुम्हारे? जय गंडेरी हजरत। अप्पा, खड़े हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे गंडेरी का झाड़ खड़ा हुआ है। ये हजरत, मैं सुना तुम्हें लोग रात को एक कुत्ते का शिकार करके कुत्ते को मार डाले। बजाय कुत्ते के मारने के कोई फिल्मी डायरेक्टर को मार डालते थे जो दूसरे की बीवियों को देखता बुरी नजर से। तो तुम्हारे लोहा को मरने के बाद में जन्नत नसीब होती थी ना। रुक क्यों गए? चलो। अरे भाई जल्दी करो, कहीं वो लोग निकल ना जाए। गाड़ी में रखो। आप भी जा रहे हैं? जी हाँ। मेरी तो समझ में नहीं आता कि अचानक आप सब लोग क्यों जा रहे हैं। साहब जी, आपका काम तो खत्म हो गया, अब कोई दूसरा ढूंढते। सर, मेरे वाइफ की तबीयत ठीक नहीं, सोचा मैं भी साथ में चला जाऊं। आपको और काम ढूंढना है? ललवाने की बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। साहब जी नमस्ते। चलो शब्बू, चलो अब्दुल। मिस्टर सूरज, कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ऑल राइट। मैं नशे में था भाई, और आप तो जानते हैं जब पति बूढ़ा हो और पत्नी जवान तो शक किए बगैर रहा नहीं जाता। अगर आपने वाकई हमें माफ कर दिया है तो प्लीज आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएंगे। ये जरूरी है क्या? मैं आपका आभारी रहूंगा। ओके, आई विल कम। थैंक यू। क्या हुआ? लगता है गाड़ी में कुछ खराबी है। ए शब्बू जी महाराज, ये गाड़ी भी साली इधर ही खराब होनी थी। ए जल्दी करो, ये कहां आके गुफा में फंस गया हम। अभी से गाड़ी आपको इतनी तकलीफ देने लगी, आप लोग बंबई कैसे पहुंचेंगे?
ए गुप्ता जी, जी ये क्या हो गया जी? ये लैंड स्लाइड हो गया जी। जी जी पहाड़ गिर पड़ा जी। पहाड़ गिर पड़ा जी। पर ये अब कैसे हटेगा? हम लोग जाएंगे कैसे? अभी मेरा ख्याल है हम लोग होटल चलते हैं। कल सुबह तक रास्ता साफ कराने की जिम्मेदारी मेरी। हाँ चलो। हाँ हेलो। हाँ जी मैं महेंद्र प्रसाद गुप्ता बोल रहा हूँ। वो जरा बड़े साहब लिंगप्पा को बुलाइए। अजी साहब 15 साल म्यूनिसिपल ऑफिस में मुलाजमत की है, कोई झक नहीं मारी। हाँ जी हाँ हाँ लिंगप्पा साहब वो मैं गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ जी हेलो 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 क्या हुआ? हेलो ये टेलीफोन कट गया शायद। हेलो टेलीफोन डेड हो गया, हद हो गई, रास्ते बंद, टेलीफोन बंद। अब क्या हुआ? टेलीफोन की लाइन भी खराब हो गई। लगता है आप लोगों को कुछ दिन यही रहना पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस। अप्पू दरिया अप्पू लगेगा धक्का गिरेंगे तू। बेगम अगर हमारे लोगों को 5 साल में बच्चा नहीं हुआ तो कोई खुजली वाला कुत्ता गोद में पाल लेंगे। इन्हें 5 साल से पहले ही भोंकने लग गया ना। अप्पू दरिया अप्पू अप्पू दरिया अप्पू मेरी हो जा तू। ऐसा लगता है इस चिकन बिरयानी ने आपके दिल पर करारी चोट की है। मेरे पास ठरकी बाबा की दी हुई वशीकरण जड़ी बूटी है। अगर बाबा इसको पानी में मिलाकर किसी लड़की को पिला दिया जाए तो लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आपकी बाहों में आ जाएगी। वाह सुंदर अति सुंदर। आह भैरा हो गया क्या? आया साहब। क्या खुशबू आ रही ना? ये क्या कुत्ते की गोचड़ी है? अल्लाह गोचड़ी। पहाड़ गिर गया, दुकाना बंद हो गए, सामान नहीं मिलता, ये मटन कहाँ से लाके पकाया रे? बेगम जी तुम्हारे को याद है ये लोग एक कुत्ता मारे थे? हाँ। मेरे को लगता है ये वो कुत्ता पका के लाई। नहीं सर नहीं। तोबा रे तोबा। नहीं नहीं खाने वाला। ये चश्मेश जी सर चिपक के खड़े रह रहे क्या रे? सड़ी बास आ रही ना, जान रे तू? बेगम जी ये मेरी इज्जत को संभालो। देख रहे भाई यहाँ शराब मिलती, हमें लोग शराब नहीं पीते। मेरी बेगम के वास्ते एक फर्स्ट क्लास नींबू पानी लेकर आ। बेगम साहिबा के लिए नींबू पानी का ऑर्डर मिला है, मैं उसमें जड़ी बूटी मिला देता हूँ, फिर देखिए उसका रंग। मैडम आपका नींबू पानी। जी मुझे नजला होएगा, नींबू पानी नपको। अरे पैसे हराम में जाएंगे ना, तुम्हें नहीं पीते तो मैं पी लेता हूँ। क्या हो गया भाई साहब को? मालूम होता है ये चल बसे। तेरा मुंह में मच्छी पड़े मियाँ। मियाँ क्या हो गया? अरे आगे अल्लाह के वास्ते उठो मियाँ। अरे मत उठाओ। मैं बेबी
आई लव यू, आई लव यू, लेकिन तुम मेरे से लव नहीं करते, तुम मेरे से लव नहीं करते ना, तो नहीं करते ना, नहीं करते, छोड़ के नको जाओ मेरे को, मेरे को छोड़ के नको जाओ, मेरी जिंदगी बर्बाद न करो ना, अभी तुम्हें मेरे है, तुम्हें मेरे है ना, अभी तुम्हें मेरे है, एक्सक्यूज मी, नमस्ते जी, एक्टर जी महाराज, नमस्ते। ये पोपट लाल जी पिक्चर में आपको बहुत आसाता जी, गिरधारी लाल जी। आइए पटेल साहब, ये मेरी धर्म पत्नी है सुषमा। ओ सुषमा जी, नमस्ते जी, मुझको ऐसा लगता है जी मैंने आपको कहीं देखा है। अरे भाई, हम ठहरे दिल्ली वाले और आप बंबई वाले, मुलाकात तो हो ही नहीं सकती। हो सकता है जी, क्यों नहीं साहब जी। अरे हाँ, याद आ गया सुषमा जी, मैंने आपका फोटो बंबई में सूरज साहब के ऑफिस में देखा जी। छगन, बहुत बोलते हो, मुंह पे ताला क्यों नहीं लगाते? ताला चाबी की कौन सी बात है साहब जी, मैंने सुषमा जी की फोटो साहब जी के कमरे। शराब बेशरम, झूठ बोली उस रात को, मुझसे कहा था मेरी तबीयत से घबरा कर उसके कमरे में गई थी, अब पता चला वो सला तेरा यार था। कम इन, गेट आउट, खबरदार जो मेरे कमरे में कदम रखा तो। गिरधर लाल जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है? ओ नहीं रही थी, लेकिन अब सही बात समझ में आ रही है। सही बात तो ये है कि हम एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, एक दूसरे को जानते थे, लेकिन अब भूल चुके। अगर भूल चुके होते तो इस बच्चन की तस्वीर अपने पास नहीं रखते। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस बात को आगे मत बढ़ाइए। यानी तुम्हारी माशुका के साथ मारपीट नहीं करूँ? करूँगा, करूँगा और जरूर करूँगा, और देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। नहीं सूरज, प्लीज। ओ हेल, समझ में नहीं आ रहा इस होटल में क्या हो रहा है। पहले रास्ता बंद हो गया, फिर टेलीफोन कट गया, और अब लाइट चली गई। ऐसा ना हो उसके बाद मैं भी चला जाऊं। नहीं साहब, घबराइए नहीं साहब। लाइट कैसे चली गई जी? मालूम नहीं कैसे चली गई, फ्यूज तो ठीक है। विजय साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि बालीमुन की मेलाइन ही चली गई है। टेलीफोन भी काम नहीं कर रहा है, क्या करें? सर, 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 होटल के पीछे जो पुराना शेड है वहां से तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। शेड में से आवाजें? जी हाँ। सूरज चल कर देखे। नहीं, आप लोग वहां मत जाइए। क्यों, क्या बात है जी? वहां कुछ भी नहीं है। चलो। शेड में अजीब अजीब सी आवाजें। आवाज अंदर से आ रही है। लेकिन सर यहाँ तो ताला लगा है, चलो वापस चलते हैं। भागो मत, ताला तोड़ो। ये सर, कब्रिस्तान के पत्थर यहाँ कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरूर कोई ऐसी बात है जो हमसे छुपाई गई है। इसका मतलब आपको ये नहीं मालूम, आपका ये होटल एक पुराने कब्रिस्तान को तोड़कर बनाया गया है। कब्रिस्तान? खून फिर भी खून है, वो बोलता है आज नहीं तो कल। अबे मोटू, जबान बंद रख वरना जबान काट दूंगा। कौन है? क्या हो रहा है, मीटिंग हो रही है? नहीं साहब जी, मीटिंग नहीं हो रही थी, हमारे दोस्त लोग जरा अंधेरे से घबरा रहे हैं। अंधेरे से घबरा रहे हैं या इस हकीकत से कि यह होटल एक कब्रिस्तान पर बनाई गई है? विजय, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। लालवानी, ऑफिस में आओ।
भारी भर के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने संजय का मुर्दा जो... तुम्हारी ऐसी बातें हमारे लिए मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर सकती हैं। सुनो तुमने फिर टाइगर की आवाज, बंद कर अपनी बकवास। तू बंद कर अपनी बकवास। तुम्हारे जाल में फंसकर मैंने अपने भोले भाले पादरी को धोखा दिया, अपना धर्म भूल गया। पहले जब चर्च की घंटी बजती थी तो मेरा सर झुकता था, और अब मेरा दिल घबराता है। क्या हो गया? होश में आ। सुनो, वो मुझे बुला रहा है, मेरा टाइगर मुझे बुला रहा है। चलो मुझे पागल हो गया क्या? उस कुत्ते को मैंने अपने हाथों से दफनाया, वो कोई और कुत्ता होगा। ये वही कुत्ता है? नहीं, ये वही कुत्ता है? नहीं, पता मन नहीं हुआ है, जिंदा है। मैं ये समझ करके दिखा दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अब्दुल, छोड़ दो इसे। वंदना यहां बैठी है। ए वंदना, सुबह से कहां थी? चाय क्यों नहीं लाई? क्या बात है, उदास नजर आ रही है। घर की याद आ रही है। इस उम्र में घर की याद? पागल हो गई हो क्या? पागल तो इस उम्र में और किसकी याद आएगी? मैं बताऊं? अरे सुनो, कहां जा रही हो? देखो यहां कोई नहीं आएगा, एक बार। लगता है साहब ने बर्फ वाली को पटा लिया। चलो उनका प्यार देखें। देखो प्यार में ऐसा नहीं करते, दुनिया वालों से कभी नहीं डरते। कितने दिल टूटे टूटा करें।
जग से डरे। देखो प्यार में, देखो प्यार में ऐसा नहीं करते, दुनिया वालों से कभी नहीं डरते। कितने प्यार में, देखो प्यार में ऐसा नहीं करते, दुनिया वालों से कभी नहीं डरते। जैसे बादल चले हवाओं में, जैसे पंछी उड़े फिजाओं में, चलो ऐसे चले जैसे चले पवन, चलो ऐसे चले जैसे चले किरण, जैसे चले किरण। देखो प्यार में, देखो प्यार में ऐसा नहीं करते, दुनिया वालों से कभी नहीं डरते। कितने दिल टूटे टूटा करेंगे प्रेमी जब तक जग से डरे। देखो प्यार में, दुनिया वालों से कभी नहीं डरते। कितने दिल टूटे टूटा करेंगे प्रेमी जब तक जग से डरे। देखो प्यार में, देखो प्यार में ऐसा नहीं करते, दुनिया वालों से कभी नहीं डरते। कितने चूड़ी, किसी ने इसकी गर्दन मरोड़ दी है। लेकिन इस फावड़े से जूड़ी यहां क्या कर रहा था? कल रात कुत्ते की कब्र खोदने गया था। किस लिए? उसका कहना था कि कुत्ता मरा नहीं। लेकिन हम सबको तो मालूम है कुत्ते की मौत हो चुकी है। साहब जी, बहस करने से क्या फायदा, अब इसकी लाश को दफना देते हैं। नहीं, ये खून है, पुलिस आएगी और छानबीन होगी। लेकिन पुलिस यहां कैसे आएगी? टेलीफोन बंद, रास्ते बंद। पुलिस आज नहीं तो कल जरूर आएगी। रामू, इस लाश को यहां से उठाकर शेड में रख दो। मैं जोगा बन जाऊंगा नाथ तेरे कारण, मैं जोगा बन जाऊंगा नाथ तेरे कारण। अरे मुझे मुंडा के बाप दादा की इज्जत साफ कर दिए, लानत है उसे कर पे जिसके पीछे पे पागल बने। बेगम,
आपको जो भी बोलना है ना वो मेरे को बोलो, जूते मारना है तो मेरे को मारो, गुस्सा करना मेरे को करो, लेकिन मेरे नाक को कुछ मत बोलो। बोलूंगी बोलूंगी हजार बार बोलूंगी, उस माटी मिल रहे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर अपने मेरे नाक के बारे में अभी कुछ बोले ना तो मैं आपकी जबान आपके मुंह से निकाल को सरोते से काट डालूंगा उतार। हाय अल्लाह मैं क्या करूंगी। तो कुछ मत करो बेगम, अब तो मैं करूंगा मेरे नाक के लिए। मैं तैयार होकर अच्छे अमेरिकन कपड़े पहन को उनको ललचा के आता हूँ। मेरे नाक, मेरे नत्था, अरे बाप रे, मम्मा ये झूले पे लटक को फुदक कर तुम्हें ऊपर चले गए, वहाँ क्या कर रहे? नीचे आओ ना, मैं हम दोनों के लिए खटिया लेकर आया हूँ। दोनों इस पर बैठ के प्यार की बातें करेंगे। अबे ओ गेंडे, क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा है? मैं पीछे नहीं, तुम्हारे नीचे खड़ा हूँ। बचाओ, ओ छोड़ो मुझे, मेरी इज्जत का सवाल है। मिया, मिया, आप क्या कर रहे हैं मिया? बस करो। बेगम, मैं तुम्हारा मर्द जरूर हूँ बेगम, लेकिन ये नाक अब इन्हें मेरा पति बन गया है। पांव के नीचे मरते दम तक मैं खड़ा रहूंगा। अबे तू नीचे खड़ा रहे, मैं झाड़ पे चढ़ा लूंगा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जूडी आखिर मरा कैसे। जूडी को किसी आदमी ने नहीं मारा कपूर साहब, मेरा ख्याल है उसे किसी भूत प्रेत ने मारा है। बकवास भूल गए आप, कोई भूत भूत नहीं है, हम लोग को डरा रहा है हमारा गुनाह। कम से कम तुमने ये तो मान लिया हमने गुनाह किया है। उस भोले पादरी की मौत हमारे कारण हुई। बात करता है, अरे बाहर कितने दिन जीता, वो साला बुड्ढा था ऐसे मरने वाला था। ये तुम कहते हो, लेकिन अपनी आत्मा से पूछो छगन, क्या वो पादरी अपनी मौत मरा है? शोर क्यों छगन? लेकिन आप लोग अंदर कैसे आ गए? दरवाजे के सामने तो कब बंद था।
कोई सपना देख रहे हो क्या? ये सपना नहीं है, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। लालवानी, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। लालवानी, होश में आओ। लालवानी, शैतान के चक्कर में आ गया। जिंदगी में आज तक कभी झूठ नहीं बोला, आज तक कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरा भी बच्चे, लेकिन मुझे क्यों हो गया? मैं उन्हें कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। तुमने मुझे भी अपने जाल में लपेट लिया। गुप्ता जी, आप खाते हैं या पीते हैं? गुप्ता जी, अब मरते भगो मत। मैंने कोई तुम लोगों को पिस्तौल दिखाकर काम नहीं करवाया है। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया है। क्या अपनी मर्जी से किया है? यही ना कि फादर बेनेवलेंट को धोखा देकर ये डबल एग्रीमेंट साइन करवाया? ठेको साहब जी, आपको शिकायत करने का हक नहीं है। आपने होटल बनाने को कहा, हमने बना दिया। छगन पटेल, मैंने तुम्हें होटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था, क्या सबीसी करने के लिए नहीं? देखो विजय बाबू, गाली मत निकलना। मैंने कौन सी चोर सबीसी की आपसे? साहब जी, आप बताइए, मैंने कौन सी गद्दारी की? अगर इस कब्रिस्तान में मैंने होटल बना दिया तो कौन किया बता रही? ऐसे कितने कब्रिस्तान है जहाँ होटल बने हुए, घर बने हुए लोग। Oh!
मेरी तो समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। पहले डिसूजा की मौत हुई, उसके बाद जूडी, फिर लालवानी और आज कपूर। ये सब कुदरत का कहर है सूरज। पापी जब कानून की नजरों से बच जाते हैं तो कुदरत उन्हें सजा देती है, और मेरा तो दिल कहता है इन तमाम दुर्घटनाओं के पीछे कुदरत का ही हाथ है, सिर्फ कुदरत का और किसी का नहीं। क्यों चिल्ला रहा है? अब तेरे भूत मुझे मार डालेगा, अब तेरे भूत मुझे मार डालेगा। ये दरवाजा बंद करके रखो। ये क्या हो रहा है? छगन भाई इसका बोल दो भूत है। भूत शबो तू जाकर थोड़ी और किले लेकर आ जल्दी। दरवाजा क्यों बंद किया तुम लोगों ने? साहब गुप्ता बोला अंदर भूत है, हमने साले को बंद कर दिया। पका मत इडियट्स। नहीं जरूर साहब, दरवाजा मत खोलिए, वाकई अंदर भूत है। शराब भूत है साहब, भूत है, मैंने खुद देखा है। पागल हो गए तुम लोग, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। अपने डर और बवाकूफी की वजह से एक निर्दोष इंसान की जान ले ली तुम लोगों ने। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। सुषमा
सुषमा। मेरी तौबा, कहाँ फंस गया? इस होटल में कभी नहीं आऊंगा। व्हाट अ लवली वेदर। मैं कान हूं सान। सान नहीं, मैं तुम्हारे घर का रहने वाला हूं। अरे छोड़ो मुझे, मैं छोड़ूंगा। अरे छोड़ो मुझे, कितने दिनों के बाद में मिलो ना मेरे को। छोड़ो मुझे, तुम्हें मेरा है ना, तुम्हें पप्पी के मैं नहीं हूं। मेरे मौत 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 छोड़ो। अरे भुकनी के, तू मेरी गोद में क्या करा रहे बैठ के? मैं तुम्हारी गोद में चार दिन से बैठा हूँ। लेकिन मैं तो बोला था कि अगर पांच साल तक मेरे को बच्चा नहीं हुआ तो मैं खुजली वाला कुत्ता अपने गोद में लूंगा। अब तू उठता है कि मैं तेरे को उठाऊं? अगर मैं उठाया तो तेरे को बहुत तकलीफ हो जाएगी रे। उठा माटी में। अयो मेरी मुच्छी कहाँ गई जी? मिया, अब मुच्छी की क्यों फिक्र कर रहे हैं? वो तो हमारे घर की खेती है, कभी भी उग जाएंगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करो, हमारे खानदान की इज्जत बच गई है। सुषमा, क्या गुजरा हुआ जमाना वापस नहीं आ सकता? क्या बात है पार्टनर, आज बड़े छुप छुप हो। ऐसे ही यार, आज संजय का जन्मदिन है। वो हर साल कहीं भी होता है मुझसे आशीर्वाद लेने जरूर आता है, लेकिन आज नहीं आ पाएगा, रास्ता जो बंद है। वंदना, ये तुम्हें कहां से मिला? यहीं पे झाड़ियों में पड़ा था। ये तो संजू का है। यहाँ एक बाबू आए थे, गोरे गोरे से, लंबे से, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने उन्हें ये बजाते हुए देखा था। सूरज, संजू से इतना प्यार करता है, वो इसे छोड़ के जा नहीं सकता। हो सकता है उसकी जेब से गिर गया हो। नहीं सूरज। छगन भाई, मैं अंदर आऊं? तुम फिर आ गए यहाँ? छगन, इन्हें अंदर आने दो। चुप रहो तुम। तुम चुप रहो। आज तक तुम बोलते रहे और मैं सुनती रही, अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। चुप हो। चिल्लाओ मत। अब तक मैंने तुम्हें साथ दिया, वही किया, वही बोली जो तुमने चाहा, लेकिन तुम मुझे कहाँ ले आए? डर के सुनसान जंगल में, जहाँ दिन की उजाले में सुनाई देती है डरावनी चीखे और रात के अंधेरे में नजर आती है मौत की भयानक शक्लें। छगन पटेल, उसने हराम जादे। बाजा, वही बाजा, ये बाजा तो संजय बजाया करता था। संजय बाबू, मैंने कुछ नहीं किया। विजय बाबू, आप संजू कहाँ है? कहाँ है संजू? मुझे नहीं मालूम, आप छगन सेठ से पूछिए। छगन, मेरा भाई कहाँ है?
वो तो साहब जी आके चला गया था। कहाँ है संजय? साहब जी मुझे मालूम नहीं। बता संजू। बताओ कहाँ है संजय? अरे साहब जी बोलो, मुझे मालूम नहीं यार। ठहरिए मैं बताती हूँ संजय कहाँ है। कहाँ है? अंदर। संजू, 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 कहाँ है मेरा भाई? जहाँ आप खड़े हैं उस जमीन के नीचे। क्या पकती हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ, संजय मर चुका है। नहीं। मर चुका है। नहीं, नहीं, मेरा भाई मर नहीं सकता। नहीं सूरज, मेरा भाई मर नहीं सकता सूरज। नहीं विजय, देख सूरज, अपना संजू वहां है। विजय, संजू नहीं, संजू तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। सूरज छोड़ दे विजय, होश में। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा गद्दार। तुमने मेरे साथ गद्दारी की बोल, कुत्ते बोल कुत्ते, तूने छगन पटेल के साथ गद्दारी की। मैंने तुझसे कहा था ना आज के दिन मेरा भाई मुझसे जरूर मिलने आता है। ये देख मेरा संजू मुझसे मिलने आया है। संजू आज तेरा जन्मदिन है ना, मुझसे मुझसे आशीर्वाद नहीं मांगेगा तू? तू बोलता क्यों नहीं है? मुझसे मुझसे आशीर्वाद नहीं मांगेगा तू? आशीर्वाद नहीं मांगेगा तू? सुन संजू, मैं तेरी सौगंध खाता हूं, जिसने तेरी जिंदगी ली है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। Oh,
भी तुम्हारे साथ चलूंगा। छोड़ो, चलो। Thank you.
जैसी करनी वैसी भरनी। विजय, बेहतर होगा कि हम इस होटल को अनाथ आश्रम में बदल दें ताकि फादर बरेंद्र की आत्मा को शांति मिले। हेलो साहब, अब टनल का रास्ता खुल गया है। थैंक यू वेरी मच बेगम। खैरियत ऑफिस से हम लोग हैदराबाद वापस जा रहे हैं। हाँ, खुदा का लाख लाख शुक्र है। नवाब अरशद अली साहब जी, मैं अपनी हरकतों की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। इसका पश्चाताप करने के लिए मैं कैलाश पर्वत की यात्रा पर जा रहा हूँ। मैंने फिल्म बनाना छोड़ दिया है। वहाँ से वापस आकर इस अनाथ आश्रम में मैं छोटे छोटे बच्चों की सेवा करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप हम दोनों से माफी मांग रहे हैं। जी हाँ। तो आपकी भाभी या अम्मा समझ लो, हम दोनों की तरफ से माफी कबूल फरमाओ। अगर हम लोग कुछ गलती किए तो हम लोग माफ कर दो। आप कभी हैदराबाद आए क्या? मैं सिकंदराबाद तक आया हूँ। अगर कभी हैदराबाद आए तो हमारे पास जरूर आना। जरूर आऊंगा। मैं आपको चार मीनार की नोक पे बिठाऊंगा। चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नवाब साहब जी, आपका हाथ। ये मेरा तीसरा हाथ है। आपके शायद कभी काम आएगा। मिस्टर सूरज, आपने इस होटल को अनाथ आश्रम में बदलकर इन अनाथ बच्चों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर। गुड बाय। गुड बाय। चलो सुषमा। विजय, क्या तुम मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे? Yeah.
अभी तक मुझे भूले नहीं सूरज। सुषमा, तुम यहां? गिरधारी लाल मेरे पति हैं। हो, इतनी रात गए तुम्हारा यहां आना ठीक नहीं है। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? सूरज, कर्ज में डूबे हुए पिताजी की इज्जत बचाने के लिए मुझे मजबूरन गिरधारी लाल से शादी करनी पड़ी। मेरे पिताजी की इज्जत तो बच गई मगर वो न बच सके। 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। हो, आई एम सॉरी। तुमने शराब तब से पीनी शुरू कर दी। मेरी एक बात मानोगे सूरज, शादी कर लो, सब कुछ भूल जाओगे। तुम भूल सकी हो। सूरज, क्या हुआ? सुषमा, तुम? सुषमा यहां? ये सुषमा के पति है गिरधारी लाल। नवाब अरशद अली के नाम से एक कमरा बुक किए थे, वो है क्या? यस मैडम, 106। लवली, आपकी आवाज कितनी म्यूजिकल है। आपकी आंखें हैं ये अफसाने, गाल है ये गजल, नाक है ये नजम, फोटोजेनिक फेस, आहा, 35 mm में ये नाक क्या लगती है, 35 mm में ये आंखें क्या लगती हैं? From your clothes I pull back and I go down. What a lovely figure, like thumbs up. Right, फुकनी के ये जो 35 के एंगल से मेरी बेगम की आंखियां देख रहा था, नाक देख रहा था, दांत देख रहा था, यही सब चीजें तेरी अगर मैं 70 mm में देखूंगा तो तेरी क्या हालत हुई? बहुत तकलीफ होंगी रे तेरे को, समझा क्या? मुंह से नहीं समझा तो हाथ से समझाता हूँ। समझ गया। क्या? आई एम लोनली, आई एम ब्लू, आई वॉन्ट टू गो टू द लू। रे चश्मिश। यस सर। ये सांप को मूत्री दिखाओ। आइए सर। बेगम जी, ये लोग हमको कौन सा कमरा दी? वो 106। 106 क्या? अच्छा कमरा रहेगा शायद। चलो। हरामजादा।
कुत्ते को क्यों मारा? साहब ये पागल कुत्ता था, देखिए मेरी क्या हालत कर दी, कल भी मुझ पर छलांग लगाई थी। वो तो ठीक है, लेकिन ये कुत्ता पागल नहीं हो सकता क्योंकि इसके गले में पट्टा है। और फिर ये कुत्ता हमेशा तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा रहता था? साहब मुझे क्या मालूम, जानवर है और वो भी पागल, किसी के पीछे भी पड़ सकता है। लेकिन ये कुत्ता है किसका? सर इस कुत्ते को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जब से ये होटल बना है इसी होटल के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये फादर बेनोवेलेंट का कुत्ता है। फादर बेनोवेलेंट? कौन फादर बेनोवेलेंट? वो बालीपुरम के पादरी थे, अब मर चुके। अब्दुल इस कुत्ते को दफना दो। बोले नहीं होटल जाएंगे, प्यार करेंगे, प्यार के बातें करेंगे, लेकिन ये क्या ऐसे जंगल में लाके फंसा दिए हो, खाली हथेली पे चांदी दिखाते रहते हैं। मैं अल्लाह अल्लाह कर रहा था ना बेगम। अब चांद क्या, मैं तुम्हारे को तारे भी दिखाऊंगा ना। वो देखो वो नीचे की जमीन देख रही और वो ऊपर आसमान देखो। बेगम ऐसा नहीं लग रहा है कि हम दोनों बीच में लटक रही? One and two, I love you. Three and four, I love you more. Five, six, seven, I will show you heaven, heaven, heaven. बेगम, एक तो होता सुरीला, दूसरा होता बेसुरीला, ये पीली टोपी तो कड़वा करेला। अरे भाई जल्दी करो, पाँव में मैदी लगी है क्या तुम्हारे? जय गंडरी हजरत। अप्पा खड़े हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे गंडेरी का झाड़ खड़ा हुआ है। ये हजरत मैं सुना तुम्हें लोग रात को एक कुत्ते का शिकार करके कुत्ते को मार डाले, बजाय कुत्ते के मारने के कोई फिल्मी डायरेक्टर को मार डालते थे जो दूसरे की बीवियों को देखता बुरी नजर से, तो तुम्हारे लोग को मरने के बाद में जन्नत नसीब होती थी ना। रुक क्यों गए? चलो। अरे भाई जल्दी करो, कहीं वो लोग निकल ना जाए। गाड़ी में रखो। आप भी जा रहे हैं? जी हाँ। मेरी तो समझ में नहीं आता कि अचानक आप सब लोग क्यों जा रहे हैं। साहब जी आपका काम तो खत्म हो गया, अब कोई दूसरा ढूंढते। सर मेरे वाइफ की तबीयत ठीक नहीं, सोचा मैं भी साथ में चला जाऊं। आपको और काम ढूंढना है, ललवाने की बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है जैसे आपकी मर्जी। बाय बाय। साहब जी नमस्ते। चलो शब्बू, चलो अब्दुल। मिस्टर सूरज कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ऑल राइट। मैं नशे में था भाई, और आप तो जानते हैं जब पति बूढ़ा हो और पत्नी जवान तो शक किए बगैर रहा नहीं जाता। अगर आपने वाकई हमें माफ कर दिया है तो प्लीज आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएंगे। ये जरूरी है क्या? मैं आपका आभारी रहूंगा। ओके आई विल कम। थैंक यू। क्या हुआ? लगता है गाड़ी में कुछ खराबी है। ए शब्बू जी महाराज, ये गाड़ी भी साली इधर ही खराब होनी थी। ए जल्दी करो, ये कहां आके गुफा में फंस गया हम। अभी से गाड़ी आपको इतनी तकलीफ देने लगी, आप लोग बंबई कैसे पहुंचेंगे? क्या हो रहा है?
गुप्ता जी, ये क्या हो गया जी? ये लैंडस्लाइड हो गया जी। जी जी पहाड़ गिर पड़ा जी। पहाड़ गिर पड़ा जी। पर ये अब कैसे हटेगा? हम लोग जाएंगे कैसे? अभी मेरा ख्याल है हम लोग होटल चलते हैं। कल सुबह तक रास्ता साफ कराने की जिम्मेदारी मेरी। हाँ, चलो। हेलो। हाँ जी, मैं महेंद्र प्रसाद गुप्ता बोल रहा हूँ। वो जरा बड़े साहब लिंगप्पा को बुलाइए। अजी साहब, 15 साल म्यूनिसिपल ऑफिस में मुलाजमत की है, कोई झक नहीं मारी। हाँ जी हाँ, हाँ लिंगप्पा साहब, वो मैं गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? हेलो, ये टेलीफोन कट गया शायद। हेलो, टेलीफोन डेड हो गया। हद हो गई, रास्ते बंद, टेलीफोन बंद, अब क्या हुआ? टेलीफोन की लाइन भी खराब हो गई। लगता है आप लोगों को कुछ दिन यही रहना पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस। अप्पू दरिया अप्पू लगेगा धक्का गिरेगी तू। बेगम जी, अगर हमारे लोगों को 5 साल में बच्चा नहीं हुआ तो कोई खुजली वाला कुत्ता गोद में पाल लेंगे। इन्हें 5 साल से पहले ही भोंकने लग गया ना। अप्पू दरिया अप्पू अप्पू दरिया अप्पू मेरी हो जा तू। ऐसा लगता है इस चिकन बिरयानी ने आपके दिल पर करारी चोट की है। मेरे पास ठरकी बाबा की दी हुई वशीकरण जड़ी बूटी है। अगर बाबा इसको पानी में मिलाकर किसी लड़की को पिला दिया जाए तो लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आपकी बाहों में आ जाएगी। वाह, सुंदर, अति सुंदर। आह, भैरा हो गया क्या? आया साहब। क्या खुशबू आ रही ना? ये क्या? कुत्ते की गोचड़ी है ना, गोचड़ी। पहाड़ गिर गया, दुकाना बंद हो गए, सामान नहीं मिलता, ये मटन कहाँ से लाके पकाया रे? बेगम जी, तुम्हारे को याद है ये लोग एक कुत्ता मारे थे? हाँ। मेरे को लगता है ये वो कुत्ता पका के लाई। नहीं सर, नहीं। दोबारे दोबारे नहीं, नहीं खाने वाला। ये चश्मेश सर, चिपक के खड़े रह रहे। क्या रे सड़ी बास आ रही ना, नहीं जान रहे तू? बेगम जी, ये मेरी इज्जत को संभालो। देख रहे भाई, यहाँ शराब मिलती, हमें लोग शराब नहीं पीते। मेरी बेगम के वास्ते एक फर्स्ट क्लास नींबू पानी लेकर आ। सर, बेगम साहिबा के लिए नींबू पानी का ऑर्डर मिला है, मैं उसमें जड़ी बूटी मिला देता हूँ, फिर देखिए उसका रंग। मैडम, आपका नींबू पानी। जी, मुझे नजला होएगा, नींबू पानी नपको। अरे पैसे हराम में जाएंगे ना, तुम्हें नहीं पीते तो मैं पी लेता हूँ। क्या हो गया भाई साहब को? मालूम होता है ये चल बसे। तेरा मुंह में मक्खी पड़े। अरे मत उठाओ। मैं बेबी,
आई लव यू आई वोव यू लेकिन तुम मेरे से लव नहीं करते तुम मेरे से लव नहीं करते ना तो नहीं करते ना नहीं करते छोड़ के नको जाओ मेरे को छोड़ के नको जाओ मेरी जिंदगी बर्बाद न करो ना अभी तुम्हें मेरे है ना अभी तुम्हें मेरे है एक्सक्यूज मी नमस्ते जी एक्टर जी महाराज नमस्ते ये पोपटलाल जी पिक्चर में आपको बहुत अच्छा था जी गिरधारी लाल जी हरिहर पटेल साहब ये मेरी धर्म पत्नी है सुषमा ओ सुषमा जी नमस्ते जी मुझको ऐसा लगता है जी मैंने आपको कहीं देखा है अरे भाई हम ठहरे दिल्ली वाले और आप बंबई वाले मुलाकात तो हो ही नहीं सकती हो सकता है जी क्यों नहीं साहब जी अरे हाँ याद आ गया सुषमा जी मैंने आपका फोटो बंबई में सूरज साहब के ऑफिस में देखा जी बहुत बोलते हो मुंह पे ताला क्यों नहीं लगाते ताला चाबी की कौन सी बात है साहब जी मैंने सुषमा जी की फोटो साहब जी के कमरे में आप बेशरम झूठ बोली उस रात को मुझसे कहा था मेरी तबीयत से घबरा कर उसके कमरे में गई थी अब पता चला वो सला तेरा यार था कम इन गेट आउट खबरदार जो मेरे कमरे में कलम रखा तो गिरधरलाल जी आपको कोई गलतफहमी हुई है ओ नहीं रही थी लेकिन अब सही बात समझ में आ रही है सही बात तो ये है कि हम एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे एक दूसरे को जानते थे लेकिन अब भूल चुके अगर भूल चुके होते तो इस बच्चन की तस्वीर अपने पास नहीं रखते मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस बात को आगे मत बढ़ाइए यानी तुम्हारी माशूका के साथ मारपीट नहीं करूँ करूँगा करूँगा और जरूर करूँगा और देखता हूँ मुझे कौन रोकता है नहीं सूरज प्लीज ओ हेल समझ में नहीं आ रहा इस होटल में क्या हो रहा है पहले रास्ता बंद हो गया फिर टेलीफोन कट गया और अब लाइट चली गई ऐसा ना हो उसके बाद मैं भी चला जाऊं नहीं साहब घबराइए नहीं साहब लाइट कैसे चली गई जी मालूम नहीं कैसे चली गई फ्यूज तो ठीक है विजय साहब मुझे तो ऐसा लगता है कि बालीमुन की मेन लाइन ही चली गई है टेलीफोन भी काम नहीं कर रहा है क्या करें सर 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 होटल के पीछे जो पुराना शेड है वहां से तरह तरह की आवाजें आ रही हैं शेड में से आवाजें जी हाँ सूरज चलकर देखे नहीं आप लोग वहां मत जाइए क्यों क्या बात है जी वहां कुछ भी नहीं है चलो शेड में अजीब अजीब सी आवाजें आवाज अंदर से आ रही है। नहीं, लेकिन सर यहाँ तो ताला लगा है चलो वापस चलते हैं भागो मत ताला तोड़ो ये सर कब्रिस्तान के पत्थर यहाँ कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा जरूर कोई ऐसी बात है जो हमसे छुपाई गई है इसका मतलब आपको ये नहीं मालूम आपका ये होटल एक पुराने कब्रिस्तान को तोड़कर बनाया गया है कब्रिस्तान खून फिर भी खून है वो बोलता है आज नहीं तो कल अबे मोटू जबान बंद रख वरना जबान काट दूंगा कौन है क्या हो रहा है मीटिंग हो रही है नहीं साहब जी मीटिंग नहीं हो रही थी हमारे दोस्त लोग जरा अंधेरे से घबरा रहे हैं अंधेरे से घबरा रहे हैं या इस हकीकत से कि ये होटल एक कब्रिस्तान पर बनाई गई है विजय इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं लालवानी ऑफिस में आओ
घड़ी भर के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने संजय का मुर्दा जो... तुम्हारी ऐसी बातें हमारे लिए मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर सकती हैं। सुनो तुमने फिर टाइगर की आवाज। बंद कर अपनी बकवास। तू बंद कर अपनी बकवास। तुम्हारे जाल में फंसकर मैंने अपने भोले भाले पादरी को धोखा दिया, अपना धर्म भूल गया। पहले जब चर्च की घंटी बजती थी तो मेरा सर झुकता था, और अब मेरा दिल घबराता है। क्या हो गया? होश में आ। सुनो, वो मुझे बुला रहा है, मेरा टाइगर मुझे बुला रहा है। चलो मुझे। पागल हो गया क्या? उस कुत्ते को मैंने अपने हाथों से दफनाया, वो कोई और कुत्ता होगा। ये वही कुत्ता है? नहीं, ये वही कुत्ता है? नहीं, पता नहीं हुआ है, जिंदा है। मैं ये समझ करके दिखा दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अंकल, छोड़ दो इसे। वंदना यहां बैठी। ए वंदना, सुबह से कहां थी? चाय क्यों नहीं लाई? क्या बात है, उदास नजर आ रही है। घर की याद आ रही है। इस उम्र में घर की याद? पागल हो गई हो क्या? पागल तो इस उम्र में और किसकी याद आएगी? मैं बताऊं? अरे सुनो, कहां जा रही हो? देखो यहां कोई नहीं है। एक बार लगता है साहब ने बर्फ वाली को पटा लिया। चलो उनका प्यार देखें। देखो प्यार में ऐसा नहीं करते, दुनिया वालों से कभी नहीं डरते। कितने दिल टूटे टूटा करे।
करते, दुनिया वालों से कभी नहीं डरते। देखो प्यार में, देखो प्यार में ऐसा नहीं करते, दुनिया वालों से कभी नहीं डरते। कितने दिल टूटे टूटा करेंगे प्रेमी जब तक जग से डरेंगे। देखो प्यार में, दुनिया वालों से कभी नहीं डरते। कितने दिल टूटे टूटा करेंगे प्रेमी जब तक जग से डरेंगे। देखो प्यार में ऐसा नहीं करते, दुनिया वालों से कभी नहीं डरते। कितने चूड़ी, किसी ने इसकी गर्दन मरोड़ दी है। लेकिन इस फावड़े से जूड़ी यहाँ क्या कर रहा था? कल रात कुत्ते की कब्र खोदने गया था। किस लिए? उसका कहना था कि कुत्ता मरा नहीं। लेकिन हम सबको तो मालूम है कुत्ते की मौत हो चुकी है। साहब जी, बहस करने से क्या फायदा, अब इसकी लाश को दफना देते हैं। नहीं, ये खून है, पुलिस आएगी और छानबीन होगी। लेकिन पुलिस यहाँ कैसे आएगी? टेलीफोन बंद, रास्ते बंद। पुलिस आज नहीं तो कल जरूर आएगी। रामू, इस लाश को यहाँ से उठाकर शेड में रख दो। मैं जोगा बन जाऊंगा नाथ तेरे कारण, मैं जोगा बन जाऊंगा नाथ तेरे कारण। अबे मुझे मुंडा के बाप दादा की इज्जत साफ कर दिए, लानत है उस एक्टर पे जिसके पीछे पे पागल बने। बेगम, आपको जो भी बोलना है ना वो मेरे को बोलो। जूते मारना है तो मेरे को मारो, गुस्सा करना मेरे को करो, लेकिन मेरे नाक को कुछ मत बोलो। बोलूंगी बोलूंगी, हजार बार बोलूंगी। उस माटी मिल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर आप मेरे नाक के बारे में अभी कुछ बोले ना तो मैं आपकी जबान आपके मुंह से निकाल को सरोते से काट डालूंगा। उतार, मैं क्या करूंगी। तो कुछ मत करो बेगम,
अब तो मैं करूंगा मेरे नाथ के लिए। मैं तैयार होको अच्छे अमेरिकन कपड़े पहन को उनको ललचा के आता हूं। मेरे नाथ, मेरे नत्था, अरे बाप रे, मम्मा ये झूले पे लटक को फुदक कर तुम्हें ऊपर चले गए, वहां क्या कर रहे? नीचे आओ ना, मैं हम दोनों के लिए खटिया लेकर आया हूँ। दोनों इस पर बैठ के प्यार की बातें करेंगे। अबे ओ गेंडे, क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा है? मैं पीछे नहीं, तुम्हारे नीचे खड़ा हूँ। बचाओ, ओ छोड़ो मुझे, मेरी सबका सवाल है। मिया, मिया, आपे क्या कर रहे हैं मिया? बस करो। बेगम, मैं तुम्हारा मर्द जरूर हूँ बेगम, लेकिन ये नाक अभी ने मेरा पति बन गया है। पांव के नीचे मरते दम तक मैं खड़ा रहूंगा। अबे तू नीचे खड़ा रहे, मैं झाड़ पे चढ़ा लूंगा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जूडी आखिर मरा कैसे। जूडी को किसी आदमी ने नहीं मारा कपूर साहब, मेरा ख्याल है उसे किसी भूत प्रेत ने मारा है। बकवास बोल रहे हो, कोई भूत भूत नहीं है, हम लोग को डरा रहा है हमारा गुनाह। कम से कम तुमने यही तो मान लिया हमने गुनाह किया है। उस भोले पादरी की मौत हमारे कारण हुई। भगवान बात करता है, अरे बाबा कितने दिल जीता, वो साला बुड्ढा था ऐसे मरने वाला था। ये तुम कहते हो, लेकिन अपनी आत्मा से पूछो छगन, क्या वो पादरी अपनी मौत मरा है? ये शोर क्यों छगन? लेकिन आप लोग अंदर कैसे आ गए? दरवाजे के सामने तो कब्बन था। कोई सपना देख रहे हो क्या? ये सपना नहीं है, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। लालवानी, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। लालवानी, होश में आओ, जाने दो। लालवानी, हाँ।
नहीं चाहती। बंद करो ये रोना धोना। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। मैं भी तुम्हारे जैसे शैतान के चक्कर में आ गया। जिंदगी में आज तक कभी झूठ नहीं बोला, आज तक कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरा भी बच्चे, लेकिन मुझे क्यों हो गया? मैं उन्हें कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। तुमने मुझे भी अपने जाल में लपेट लिया। गुप्ता जी, आप खाते हैं या पीते हैं? गुप्ता जी, आप मरते भगो मत। मैंने कुछ तुम लोगों को पिस्तौल दिखाकर काम नहीं करवाया है। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया है। क्या अपनी मर्जी से किया है? यही ना कि फादर बेनेवलेंट को धोखा देकर ये डबल एग्रीमेंट साइन करवाया? देखो साहब जी, आपको शिकायत करने का हक नहीं है। आपने होटल बनाने को कहा, हमने बना दिया। छगन पटेल, मैंने तुम्हें होटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था, 400 BC करने के लिए नहीं। देखो विजय बाबू, गाली मत निकालना। मैंने कौन सी 400 BC की आपसे? साहब जी, आप बताइए, मैंने कौन सी गद्दारी की आप लोगों से? अगर इस कब्रिस्तान में मैंने होटल बना दिया तो कौन सी आप बता रही? ऐसे कितने कब्रिस्तान है जहाँ होटल बने हुए, घर बने हुए लोग। तो समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। पहले डिसूजा की मौत हुई, उसके बाद जूडी, फिर लालवानी और आज कपूर। ये सब कुदरत का कहर है सूरज। पापी जब कानून की नजरों से बच जाते हैं तो कुदरत उन्हें सजा देती है, और मेरा तो दिल कहता है इन तमाम दुर्घटनाओं के पीछे कुदरत का ही हाथ है, सिर्फ कुदरत का और किसी का नहीं।
क्यों चिल्ला रहा है? अंदर ये भूत मुझे मार डालेगा, अंदर ये भूत मुझे मार डालेगा। ये दरवाजा बंद करके रखो। ये क्या हो रहा है? छगन भाई, छगन भाई, इसका बोल दो भूत है। भूत शबो, तू जाकर थोड़ी और किले लेकर आ जल्दी। क्या हो रहा है? ये दरवाजा क्यों बंद किया तुम लोगों ने? साहब, गुप्ता बोला अंदर भूत है, हमने साले को बंद कर दिया। पका मत, इडियट्स। नहीं सुरेश साहब, दरवाजा मत खोलिए, वाकई अंदर भूत है। शराब, भूत है साहब, भूत है, मैंने खुद देखा है। भूत, पागल हो गए तुम लोग, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। अपने डर और बवाकूफी की वजह से एक निर्दोष इंसान की जान ले लिए तुम लोगों ने। नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सुषमा, मुझे जाने दो, मुझे जाने सुषमा, दो, मुझे जाने दो। सुषमा, सुषमा, मेरी तौबा, कहाँ फंस गया? इस होटल में कभी नहीं आऊंगा। व्हाट अ लवली वेदर। मैं कौन हूं? सांड। सांड नहीं, मैं तुम्हारे घर का रहने वाला हूं। अरे छोड़ो मुझे, मैं छोड़ूंगा। अरे छोड़ो मुझे, कितने दिनों के बाद में मिलो ना मेरे को। छोड़ो मुझे, तुम्हें मेरा है नाथ, मैं पप्पी करने नहीं हूँ। मेरे मौत तो मौत तो मौत तो मौत तो छोड़ो। अरे भुकनी के, तू मेरी गोद में क्या करा रहे बैठ के? मैं तुम्हारी गोद में चार दिन से बैठा हूँ। लेकिन मैं तो बोला था कि अगर पांच साल तक मेरे को बच्चा नहीं हुआ तो मैं खुजली वाला कुत्ता अपने गोद में लूंगा। अब तू उठता है कि मैं तेरे को उठाऊं? हाँ, अगर मैं उठाया तो तेरे को बहुत तकलीफ हो जाएगी रे। उठा माटी में। अयो, मेरी मुच्छी कहाँ गई जी? मिया, अब मुच्छी की क्यों फिक्र कर रही? वो तो हमारे घर की खेती है, कभी भी उग जाएंगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करो, हमारे खानदान की इज्जत बच गई है। सुषमा, क्या गुजरा हुआ जमाना वापस नहीं आ सकता? क्या बात है पार्टनर, आज बड़े छुप छुप हो। ऐसे ही यार, आज संजय का जन्मदिन है। वो हर साल कहीं भी होता है मुझसे आशीर्वाद लेने जरूर आता है, लेकिन आज नहीं आ पाएगा, रास्ता जो बंद है। वंदना, ये तुम्हें कहां से मिला? यहीं पे झाड़ियों में पड़ा था। ये तो संजू का है। यहाँ एक बाबू आए थे, गोरे गोरे से, लंबे से, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने उन्हें ये बजाते हुए देखा था। सूरज, संजू से इतना प्यार करता है, वो इसे छोड़ के जा नहीं सकता। हो सकता है उसकी जेब से गिर गया हो। नहीं सूरज। छगन भाई, मैं अंदर आऊं? तुम फिर आ गए यहाँ? छगन, इन्हें अंदर आने दो। चुप रहो तुम। तुम चुप रहो। आज तक तुम बोलते रहे और मैं सुनती रही, अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। शबो, चिल्लाओ मत। अब तक मैंने तुम्हें साथ दिया, वही किया, वही बोली जो तुमने चाहा, लेकिन तुम मुझे कहां ले आए? डर के सुनसान जंगल में, जहां दिन की उजाले में सुनाई देती है डरावनी चीखें और रात के अंधेरे में नजर आती है मौत की भयानक शक्लें। छगन पटेल, उसने चुप।
हराम जादे। बाजा, वही बाजा, ये बाजा तो संजय बजाया करता था। संजय बाबू, मैंने कुछ नहीं किया। विजय बाबू, आप संजू कहाँ है? कहाँ है संजू? मुझे नहीं मालूम, आप छगन देर से पूछिए। छगन, मेरा भाई कहाँ है? वो तो सब्जी आके चला गया था। कहाँ है संजय? साहब जी, मुझे मालूम नहीं। बता संजू कहाँ? बताओ कहाँ है संजय? अरे साहब जी, बोलो, मुझे मालूम नहीं। यहाँ ठहरिए, मैं बताती हूँ संजय कहाँ है। कहाँ है? अंदर। संजू, 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 कहाँ है मेरा भाई? जहाँ आप खड़े हैं, उस जमीन के नीचे। क्या पकती हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, संजय मर चुका है। नहीं। मर चुका है। नहीं, नहीं, मेरा भाई मर नहीं सकता। नहीं सूरज, मेरा भाई, मेरा भाई मर नहीं सकता। सूरज, नहीं। विजय, देख सूरज, अपना संजू वहां है। विजय, संजू नहीं, संजू तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। संजू सूरज छोड़ दे, होश में। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा गद्दार। तुमने मेरे साथ गद्दारी की है? बोल कुत्ते, बोल कुत्ते, तूने छगन पटेल के साथ गद्दारी की है? मैंने तुझसे कहा था ना, आज के दिन मेरा भाई मुझसे जरूर मिलने आता है। ये देख, मेरा संजू मुझसे मिलने आया है। संजू, आज तेरा जन्मदिन है ना, मुझसे मुझसे आशीर्वाद नहीं मांगेगा तू? तू बोलता क्यों नहीं है? मुझसे मुझसे आशीर्वाद नहीं मांगेगा तू? आशीर्वाद नहीं मांगेगा तू? सुन संजू, मैं तेरी सौगंध खाता हूं, जिसने तेरी जिंदगी ली है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। ठिकाना
तुम्हारे साथ चलूंगा। छोड़ो, चलो। Thank you.
जैसी करनी वैसी भरनी। विजय, बेहतर होगा कि हम इस होटल को अनाथ आश्रम में बदल दें ताकि फादर बरेंद्र की आत्मा को शांति मिले। हेलो साहब, अब टनल का रास्ता खुल गया है। थैंक यू वेरी मच बेगम। खैरियत ऑफिस से हम लोग हैदराबाद वापस जा रहे हैं। हाँ, खुदा का लाख लाख शुक्र है। नवाब अरशद अली साहब जी, मैं अपनी हरकतों की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। इसका पश्चाताप करने के लिए मैं कैलाश पर्वत की यात्रा पर जा रहा हूँ। मैंने फिल्म बनाना छोड़ दिया है। वहाँ से वापस आकर इस अनाथ आश्रम में मैं छोटे छोटे बच्चों की सेवा करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप हम दोनों से माफी मांग रहे हैं। जी हाँ। तो आपकी भाभी यम्मा समझ लो, हम दोनों की तरफ से माफी कबूल फरमाओ। अगर हम लोग कुछ गलती किए तो हम लोग माफ कर दो। आप कभी हैदराबाद आए क्या? मैं सिकंदराबाद तक आया हूँ। अगर कभी हैदराबाद आए तो हमारे पास जरूर आना। जरूर आऊंगा। मैं आपको चार मीनार की नोक पे बिठाऊंगा। चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नवाब साहब जी, आपका हाथ। ये मेरा तीसरा हाथ है। आपके शायद कभी काम आएगा। मिस्टर सूरज, आपने इस होटल को अनाथ आश्रम में बदलकर इन अनाथ बच्चों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर। गुड बाय। गुड बाय। चलो सुषमा। विजय, क्या तुम मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे? चलो।